तो अब विजय देवरकोंडा की रिलीज होने वाली फिल्म लाइगर पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर को भी बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है और इस मामले में अब विजय क्या बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लड़ेंगे और कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा, देख लेंगे, फिल्म दो दिन बाद रिलीज होने जा रही है, हम लड़ने के लिए तैयार है। बॉलीवुड में इन दिनों बॉयकॉट का शोर खूब सुनाई दे रहा है, लगातार हर फिल्म की कमाई गिरते जा रही है, हर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन और दोबारा का हाल बेहाल हो चुका है। लाल सिंह चड्ढा का कलेक्शन काफी कम रहा है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की रक्षाबंधन भी कुछ कमाल नहीं कर पाई है और हाल ही में रिलीज हुई तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा भी बॉलीवुड पर बॉक्स ऑफिस पर पिट गई है। और इस बीच विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर रिलीज होने वाली है और इसको लेकर अब विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टार लाइगर इसी हफ्ते 25 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर काफी समय से शोर है और इसी को लेकर अब विजय देवरकोंडा ने रिएक्ट करते हुए बोला है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और हम देखते हैं कि क्या होगा, हमें किसी चीज का डर नहीं है।